तो हमने देखा जी कि थ्री वे चार्ट जो है या बिटवीन विद इन चार्ट जो है, ये हमें पावर देता है कि हम शॉर्ट टर्म वेरिएशंस को भी डिटेल में स्टडी करें और लॉन्ग टर्म वेरिएशंस को भी डिटेल में स्टडी करें। हमें जो शॉर्ट टर्म वेरिएशंस हैं वो समझ आती हैं IMR चार्ट से, और जो लॉन्ग टर्म वेरिएशन है वो समझ आती है R या S चार्ट से, यानी रेंज या स्टैंडर्ड डेविएशन के चार्ट से। रेंज तब यूज़ करते हैं जब 9-10 से कम हो सैम्पल साइज, और स्टैंडर्ड डेविएशन तब इस्तेमाल करते हैं जब इनसे 8, 9, 10 जो भी आपने लिमिट रखी हुई है उससे ज़्यादा हो। अभी नेक्स्ट देखते हैं चार्ट्स जो के उस जगहों पे इस्तेमाल किए जाते हैं जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन डेटा की नॉर्मल नहीं होती। तो हम शुरू से, जैसा थोड़ी देर पहले हमने बात की, कि एज्यूम करते हैं कि जो स्टैंडर्ड चार्ट्स हैं, शेवार्ट चार्ट या कंट्रोल चार्ट्स, ये डेटा नॉर्मेलिटी एज्यूम करते हैं कि डेटा नॉर्मल है, और कहते हैं कि अगर डेटा नॉर्मल नहीं है तो उसको नॉर्मल करें, ताकि आप जो स्टेटिस्टिक्स के बहुत सारे टूल्स हैं वो इस्तेमाल कर सकें, और उन्हीं स्टेटिस्टिक्स के टूल्स को इस्तेमाल करते हुए आप कंट्रोल लिमिट्स कैलकुलेट करते हैं, यानी अपर और लोअर कंट्रोल लिमिट्स कैलकुलेट करते हैं। उसके अंदर सेंट्रल लिमिट थ्योरम की एजम्पशन होती है। सेंट्रल लिमिट थ्योरम, वैसे तो इसकी दो तो तीन डिटेल्स हैं, लेकिन इस वक्त जो हम डिस्कशन कर रहे हैं उसमें आप ये समझ लें कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम ये कहता है कि जब डेटा सेट काफ़ी बड़ा हो जाता है तो डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करना शुरू कर देता है। जब डेटा सेट काफ़ी बड़ा हो जाता है, जैसे मैंने आपको कहा कि 30-35 में वो थोड़ी बहुत शेप नॉर्मल की यूज़ करता है, शक्ल निकालना शुरू कर देता है, लेकिन जब ये काफ़ी बड़ा हो जाता है, अब मैंने मिनट ऐप कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, तो मुझे ये समझ आई है कि तकरीबन 400 के बाद परफेक्ट नॉर्मेलिटी आ जाती है डेटा सेट में। लेकिन अगेन डिपेंड करता है कि आप किस किस्म का डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो काफ़ी बड़ा जब हो जाता है तो नॉर्मल शेप आ जाती है डेटा की। यहाँ पे सेंट्रल लिमिट थ्योरम से हमारा ये मतलब है। वैसे जनरली स्पीकिंग सेंट्रल लिमिट थ्योरम एक और बात ये भी कहता है कि जो मीन्स होते हैं, मीन्स, हम पूरे डेटा की बात नहीं कर रहे, सिर्फ डेटा के मीन्स जो होते हैं वो एनी वे नॉर्मेलिटी एज्यूम कर लेते हैं अगर डेटा बढ़ जाए। यानी डेटा आपके इंडिविजुअल्स का नॉर्मल नहीं था, वो फ़र्ज़ करें या बेटा डिस्ट्रीब्यूशन थी या साउंड कोई भी और डिस्ट्रीब्यूशन थी, लेकिन अगर आप उनके सिर्फ मीन्स लेंगे सैम्पल्स के और उनको प्लॉट करना शुरू करेंगे और डेटा काफ़ी हो जाएगा, यानी बड़ा डेटा होगा, तो वो नॉर्मल की शक्ल इख्तियार कर लेगा। लेकिन यहाँ पे हम खाली ये बात कर रहे हैं कि द मोर द डेटा द मोर इट इज़ लाइकली टू बी नॉर्मल। तो चूँकि हमने स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू कैलकुलेट करते हैं LCL और UCL या कंट्रोल लिमिट्स, तो हम नॉर्मेलिटी या सेंट्रल लिमिट थ्योरम अज्यूम करते हैं कि अप्लाई हो रहा है। लेकिन जैसे हमने थोड़ी देर पहले देखा, बहुत सी जगहों पे अप्लाई नहीं हो रहा होता मुख्तलिफ रीजंस की वजह से। अब किसी जगहों पे सिर्फ इस वजह से नहीं हो रहा होता कि डेटा ही कम है, लेकिन यहाँ पे हम उस स्पेसिफिक केस की बात कर रहे हैं कि जब आपका डेटा नॉर्मल नहीं है, तो उस केस में आप ऐसा करते हैं कि आप पहले देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी है, और फिर उस डिस्ट्रीब्यूशन के मुताबिक कंट्रोल लिमिट्स और सेंटर लाइन को कैलकुलेट करते हैं, यानी अपना चार्ट जो कंस्ट्रक्ट करते हैं उस डिस्ट्रीब्यूशन के मुताबिक करते हैं। तो जो जैसा कि हमने मिनट ऐप में शुरू में पढ़ा था कि डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास एक टूल होता है मिनट ऐप के अंदर, तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पेपर है जो सबसे आखिरी बुलेट पे, ये मैंने आपके ग्रुप पे भी रख दिया है कैनवस में, उसका आप ज़रूर पढ़िएगा। ये पाकिस्तान जर्नल ऑफ स्टैट्स एंड ऑप्स रिसर्च में पब्लिश हुआ है। ये मेरा ख्याल है पंजाब यूनिवर्सिटी का जर्नल है, बहुत अच्छा जर्नल है। तो इसमें इन्होंने एक वीबल पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन को इस्तेमाल करते हुए के कंट्रोल चार्ट बनाया है, और फिर बात प्रूव किया है कि वो कंट्रोल चार्ट ज़्यादा एफिशिएंट है एक ऐसे कंट्रोल चार्ट से जो आप नॉर्मेलिटी अज्यूम करके या डेटा को नॉर्मल में कन्वर्ट करके इस्तेमाल करेंगे। तो ये सिर्फ एक एग्जांपल वीबुल पेरेटो की है, आप इसे जो लोग इंटरेस्टेड हैं इसको देख लीजिएगा, बहुत इजी टू रीड पेपर है और आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह समझ आ जाता है। लेकिन ऑब्वियसली आपका डेटा नॉर्मली वीबुल पेरेटो नहीं होगा हमेशा, कोई भी किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर सकता है, डिपेंड्स ऑन योर डेटा। तो फिर आपने उसी डिस्ट्रीब्यूशन के मुताबिक, ऑब्वियसली एक एडवांस्ड एक्टिविटी है ये हमारे इस कोर्स का
परव्यू नहीं है, लेकिन जो लोग स्टैट्स में फर्दर स्टडी करेंगे उनके लिए इस तरह के टॉपिक्स बहुत इंटरेस्टिंग हो सकते हैं, क्योंकि इनमें पब्लिकेशंस रिलेटिवली बड़ी आसान होती हैं। आप किसी भी इंडस्ट्री का डेटा इकट्ठा कर लें, काफ़ी सारा 400-500 पॉइंट्स इकट्ठे कर लें और असेस कर लें कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो इट इज़ वेरी इजी टू कंस्ट्रक्ट अ कंट्रोल चार्ट बेस्ड ऑन दैट डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन कंपेयर इट टू द कंट्रोल चार्ट विद समबडी वुड मेक बाय कन्वर्टिंग दैट डेटा इनटू नॉर्मल डेटा यूजिंग मिनीटैब या किसी भी और सॉफ्टवेयर से। तो उन दोनों की एफिशिएंसी को आप कंपेयर करें तो बड़ा इजीली आप कह सकते हैं कि मेरा जो ओरिजिनल कंट्रोल चार्ट है विच इज़ एक्चुअली बेस्ड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन दैट डेटा कंप्लाइज विद वो ज़्यादा एफिशिएंट है। तो ये दूसरा ग्रुप है हमारे अदर कंट्रोल चार्ट्स का जो हम इस्तेमाल करते हैं उन जगहों पे जहाँ पे हमारे स्टैंडर्ड कंट्रोल चार्ट्स काफ़ी नहीं होते। जैसे मैंने आपको कहा कि ज़्यादातर जगहों पे नॉर्मल कंट्रोल चार्ट्स काफ़ी होते हैं और ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ जो कि बहुत हाई एंड क्वालिटी को अचीव करने को स्ट्राइव करती नहीं है उनके लिए भी कंट्रोल चार्ट्स स्टैंडर्ड वाले काफ़ी होते हैं। एंड अगेन वो इस बात को मैं दोबारा रिपीट करूँगा, पुअर मैंस कॉमन कॉज कैन बी अ रिच मैंस स्पेशल कॉज। तो जो इंडस्ट्री बाई नेचर पुअर मैन है तो उसके लिए ज़्यादातर स्टैंडर्ड कंट्रोल चार्ट सफाइस कर जाते हैं, लेकिन जो लीड करना चाहते हैं इंडस्ट्री को, जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी देना चाहते हैं और उसी हिसाब से क्वालिटी रखते हैं अपनी, तो उनके लिए फिर स्पेशल कंट्रोल चार्ट्स उनको जगह जगह पे चाहिए होते हैं।